अस्सलाम वालेकुम। मौसम सरमा में रमजान कितने साल बाद आएंगे? रोजेदारों के लिए अनोखी खुशखबरी आ गई। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं? खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं? तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि सऊदी अरब की अलकसीम यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर अब्दुल्ला अल मुसनद का कहना है कि मुसलमान अगले बरस अब तकरीबन 26 सालों बाद सर्दियों में रोजे रखेंगे। अल अरबिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की अलकसीम यूनिवर्सिटी में फलकियात के साबिक प्रोफेसर और मौसमियात की सोसाइटी के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुसनद ने सोशल मीडिया के जरिए ये बताया कि 1444 हिजरी का रमजान बहार का आखिरी रमजान है। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुसनद के मुताबिक अगले बरस पहला रोजा 11 मार्च पीर के रोज होगा। ये तकरीबन 26 सालों बाद पहला रमजान होगा जिस दौरान मुसलमान सर्दियों में रोजे रखेंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुसनद ने रवा बरस रमजान के पहले रोजे के लिए 23 मार्च की पेशनगुई की थी।